बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी, इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। पहले मैं ये पीस को अलहदा कर लूँगी, बाजुओं के और कमीज़ के बैक और फ्रंट के। ये मैंने पीस अलहदा कर लिए, ये निशान मैं 4 इंच पर लगाऊँगी। इस तरह से गुलाई कर लेनी है इस निशान पे। पाँच इंच तक गुलाई लेके आनी है इस तरह से। अठारह इंच इसकी लंबाई रखनी है। यहाँ तक कटाई करनी है, 1 इंच इधर से, 1 इंच दूसरी साइड से। दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़ा निकाल लेना है इसी तरह से गुलाई में। अब इसकी कटाई कर लेनी है। ये पीस दरमियान में से मैं निकाल लूँगी इस तरह से। बैक और फ्रंट साइड की कटाई मैंने कर ली है, इस तरह से रख लेना। अब कंधों की नाप ले लेना, कंधों का 8 इंच तीरे का निशान लगाया मैंने, 8 इंच ही कंधे का निशान। यहाँ से 11 इंच रखना है। अब इस पर गुलाई कर लेनी है। कमर का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया। एक लाइन मैंने लगाई है कटाई के लिए, एक सिलाई के लिए। अब इस पर कटाई कर लूँगी, 1 इंच तिरछी कटाई करूँगी।
फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी। अब फ्रंट साइड की गले की लंबाई इसकी रखी है मैंने 4 इंच। चौड़ाई 3.5 इंच। तीन इंच लंबाई रख के गले की कटाई करूँगी। 3 इंच तक मैंने कटाई की है नीचे से। ये कट का निशान जो लगाना है मैंने 3 इंच पे लगाना है। ये भी यहाँ तक कटाई कर लूँगी। अब इसे सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से पीस रख लेने हैं। फ्रंट और बैक साइड दोनों पे सिलाई लगा लूँगी। ये निशान मैं इस पे 1 इंच पे लगा लूँगी। यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगाऊँगी। बैक साइड पे दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। से दरमियान में रख के सिलाई लगा लूँगी इस तरह से बैक साइड पे। बैक और फ्रंट साइड पे मैंने सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं।
इस बुकरम की लंबाई 18 इंच है, चौड़ाई 3 इंच। इसे मैं बैन तैयार कर लूँगी। तीन इंच तक सीधी लाइन ड्रा करनी है। अब इसे गुलाई देनी है। गुलाई मैंने नोक तक देनी थी, गलती से इधर को दे दी है। अब मैं नोक तक इसकी गुलाई कर लूँगी। अब इस पर कटाई कर लूँगी। इस तरह से तिरछी कटाई कर लेनी। तीन इंच मैंने बुकरम पे भी कट लगा लिया। अब मैंने इसे उसके साथ गले के साथ अटैच कर लेना है। साइडों पे पहले सिलाई लगाऊंगी, फिर इस तरह से गले पे रख के अटैच कर लूँगी। ये मैंने अटैच कर लिया। अब मैं कंधे की, फ्रंट साइड की कंधे की और कटाई कर लूँगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से रख के नाप लेना है। इसे हल्का सा ज़्यादा है, इसकी मैं कटाई कर लूँगी। इस पे मैं बुकरम पेस्ट कर लूँगी इस तरह से। बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इजाफी कपड़ा उतार दूँगी। सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसके साथ रख के हल्का हल्का कपड़ा छोड़ के सिलाई कटाई कर लेनी है इसकी भी।
आप इसे पलट लेना है इस तरह से। दरमियान में रख के नाप ले लेना है, फिर सिलाई लगानी शुरू करनी है। आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी शुरू करूँगी मैं, कट से आधा इंच छोड़ा है मैंने। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, दोनों साइड से ही मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ूंगी आधा आधा इंच। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। बाजू सिंपल ही थे, मैंने इनकी कटाई और सिलाई इसलिए नहीं दिखाई। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है ये फ्रॉक। अगर आपको पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने सिलाई लगाई है जिस तरह से फ्रंट साइड पे लगाई है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।